झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में चंदन कियारी सीट पर घमासान होने की उम्मीद है। मौजूदा विधायक अमर कुमार बाउरी ने खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि वो इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके चुनाव न लड़ने की अफवाहों ने कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी की ओर से अमर कुमार को टिकट नहीं देती है तो आजसू पार्टी नेता उमाकांत रजक क्या करेंगे। चंदन कियारी विधानसभा सीट पर एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, यह समझने के लिए हमें 2019 के चुनावों पर नजर डालनी होगी। उस समय भाजपा और आजसू पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बाउरी भाजपा के टिकट पर जीते थे जबकि उमाकांत रजक दूसरे स्थान पर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि बाउरी इस बार चंदन कियारी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन अफवाहों का खंडन करते हुए बाउरी ने कहा, मैं चंदन कियारी का हूं और चंदन कियारी मेरा है, मैं इसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार बाउरी के चुनाव न लड़ने की अफवाहें कौन फैला रहा है। इसका जवाब शायद सब जानते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर बाउरी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा रजक को होगा। रजक 2009 में इसी सीट से जीतकर एनडीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में बाउरी ने जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीता था और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। 2024 आते आते वो भाजपा के कद्दावर नेता बन चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो अपनी सुरक्षित सीट छोड़ने का जोखिम उठाएंगे। फिलहाल यह फैसला एनडीए को करना है कि वो चंदन कियारी से किसे चुनाव लड़ाती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने अपने सहयोगी दल आजसू पार्टी को 9 सीट है जिनमें चंदन कियारी शामिल नहीं है। इस स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि आजसू पार्टी के नेता रजक क्या करते हैं। क्या वो दोस्ताना संघर्ष की अनुमति न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और रास्ता अपनाएंगे। हालांकि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो कई बार इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं जिससे अटकलें तेज हो गई है। इस बीच जयराम महतो भी इस क्षेत्र में अपना जनाधार मजबूत करने में जुटे हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है।